क्या बीजेपी इनेलो की दोस्ती अच्छी रहेगी या फिर अभी थोड़ी दूरी ही ठीक है? हरियाणा की जनता निश्चित तौर पे एक नए विकल्प को खोज रही है। हरियाणा की जनता को जो चाहिए, जनता खोज रही है, जनता के बहाने राजनीतिक दल खोज रहे हैं। मैं कहता हूँ जनता खोज, पिटती जनता है, लुटती जनता है, और जो झेलना पड़ता है वो भी जनता को झेलना पड़ता है जी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर गठबंधन दो अच्छे दलों का होता है तो सरकार बनती है। अगर इनका गठबंधन प्रॉपर नहीं हो पाया तो मैं समझता हूँ कांग्रेस दो अच्छे दलों का है, बीजेपी दोनों ही अच्छे दल हैं। मैं विषय संगठन का विषय, अगर किसी राजनीतिक दल के पास संगठन नहीं है, भाजपा जिन नेताओं हम सीधी बात करते हैं, हरियाणा के पास संगठन नहीं, आप ये कह रहे हैं? मैं हरियाणा भाजपा, आपका आरोप यह है कि भाजपा के पास संगठन नहीं है? हरियाणा भाजपा को सर हरियाणा भाजपा के बारे में एक बात कहना चाह रहा हूँ। हरियाणा भाजपा संगठन में या जिन नेताओं को भाजपा, जिन लोगों को आगे लेकर चल रही है, उनसे वो हरियाणा के अंदर कांग्रेस को अभी टक्कर देने की स्थिति में नहीं है। एक बात ठीक है। दूसरी बात, हजका निश्चित तौर पे वो सांसद हैं, होंगे, परंतु वो एक जो उनके पिता चौधरी भजनलाल थे, वो उनके विषय में, हरियाणा के विषय में क्या कहा जाता है मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। उनके पास भी संगठन नाम की चीज आज की डेट में हरियाणा में नहीं है। अगर फाइलों में अगर आप गठबंधन, ग्राउंड की रियलिटी है, ग्राउंड की रियलिटी कहाँ है? 16 दिन ट्रैक्टर रैली की है, अब विजय यात्रा, सलाह है भाजपा को 54 दिन यात्रा चलेगी, देखिए भाजपा को सलाह है, इतनी विशाल नतीजा है कि हम विधानसभा आदमपुर जीत, भाजपा को सच्चाई की बात है, अपने घर की सीट, इतनी विशाल रैली पर भी आए। मैं पूरी बात कर दूं, घर की सीट नहीं होती, इतनी विशाल रैली होने के बाद हरियाणा के अंदर निश्चित तौर पे सबसे विशाल रैली है और सफल रैली है। इस सफलता को भाजपा संगठन के रूप में कैश करे और संगठन को मजबूत करने पर ध्यान दे, तो मुझे लगता है हरियाणा में जो आपका आज हेडिंग है, आज का जो विषय है आपके इस कार्यक्रम का, उस विषय पे मोदी फैक्टर चलेगा और निश्चित तौर पे मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं बदलाव आएगा, बशर्ते कि ये लोग अपने संगठन को मजबूत करते हैं। केवल मात्र पूर्व सैनिकों की रैली से हरियाणा की तस्वीर बदल गई। इसी तरह से पीएम बढ़ाएगी बीजेपी के साथ कि आप दूर भी रहेंगे लेकिन पास आने के बहाने भी ढूंढेंगे। कैसी स्थिति में है आप लोग? क्या आप बीजेपी से दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे सीधे तौर पर या दूर रह के आप अपनी सहमति जताएंगे जैसा कि अभय जी ने अभी अपने बयान में आज कहा? मैं आपको बताता हूं, दोस्ती भी हमेशा मजबूत लोगों के साथ होती है। इंडियन नेशनल लोकदल एकमात्र अकेली ऐसी पार्टी है जो हरियाणा में मजबूत है, ये बात नरेंद्र मोदी जी जानते हैं और ये जानते हुए ही उन्होंने आज जो इशारे दिए हैं या उन्होंने जो इज्जत बख्शी है इंडियन नेशनल लोकदल के देवीलाल जी को, ये वो जानते हैं। बात ये है, आज इंडियन नेशनल लोकदल अपने बेस पे, अपने बेस पे हरियाणा में सरकार बनाने के लिए ज्यादा मजबूत नहीं है। आज इंडियन नेशनल लोकदल अपने बेस पे तो आधार खत्म हो चुका है, पार्टी खत्म हो चुकी है, क्योंकि केंद्र से भी कांग्रेस की सरकार को अलग याद रखना। दूर से दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे या दोस्ती करेंगे? हमें सीधा सीधा ये बताएं आपको, दूर से दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, दूर से केवल बयानबाजी होगी कि हमारे पारिवारिक संबंध हैं, कांग्रेस को हराने के लिए हम किसी के भी साथ जाएंगे, या सीधे सीधे आप दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे? क्या क्या रणनीति रहने वाली है? क्योंकि अब वक्त आपके पास भी बहुत ज्यादा है। देखिए क्लियर मैसेज दिया है कांग्रेस को साइड में करने के लिए, सत्ता से बाहर करने के लिए बिना शर्त के नरेंद्र मोदी जी को हम समर्थन देंगे। भाई अभय सिंह चौटाला ने आज साफ साफ बोला है। बात मैं ये इससे अलग हटके बोल रहा हूं, मैं गठबंधन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत क्लियर सी बात बोल रहा हूं। हरियाणा के अंदर इस टाइम पे अगर कोई ऐसा विकल्प है कांग्रेस का तो वो सिर्फ एक इंडियन नेशनल लोकदल है। ये बात नरेंद्र मोदी जी जानते हैं, ये बात नरेंद्र मोदी जी जानते हैं, जिसके नेता जेल में बैठे हैं। आप मेरी बात कभी उनसे कभी कोई दोस्ती करेगा, उनसे कभी कोई गठबंधन करेगा? आप तो ऐसा लगता है, आप तो ऐसा पढ़े लिखे हैं, आपको पता है 13.5 साल का छोटा लखनऊ नहीं कर सकता,
13 साल अजय चौटाला चुनाव नहीं लड़ सकता जी, आज तक भारतीय जनता पार्टी ने इन लोगों के खिलाफ नहीं बोला। मैं बता रहा हूँ ठीक है जेटली साहब, 13.5 साल चुनाव नहीं लड़ सकते जेटली साहब। आप असली ये जो पूरी स्थिति है ये जो पूरी स्थिति है अब मुझे इससे इससे बीजेपी के लिए मुश्किल होने जा रही है। अपनी ढपली अपना राज, कुमारी राज भी तो कहीं जाके ठहरेगा। कुमारी शैलजा, चौधरी वीरेंद्र, राव इंद्रजीत, आप ये जो विपक्ष के साथी बैठे हैं, मैं समझता हूँ हरियाणा के अंदर जो मजबूत विपक्ष की बात है वो विपक्ष में ये लोग सारे बटे हुए हैं, और जो इंद्रजीत शैलजा और चौधरी वीरेंद्र मजबूत विपक्ष कहीं और बन रहा है। हाँ, वहां पर विपक्ष बन रहा है। एक्चुअल में हरियाणा में जो स्थिति है वो अभी ऊहापोह की स्थिति है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर यही हाल रहा तो ये वो दिन दूर नहीं है कि ये लोग आपस में लड़ते रह जाएंगे, मलाई दोबारा से फिर कोई और खा जाए। ठीक है, ऐसा होगा ही नहीं, ठीक है, ऐसा होगा ही नहीं। रास बिहारी गठबंधन मजबूत है, रास बिहारी जी से हम क्लोजिंग कमेंट लेंगे। गठबंधन ही चुनाव लड़ेगा लोकसभा का और विधानसभा का हरियाणा के अंदर। हजका भाजपा रास बिहारी जी से हम क्लोजिंग कमेंट लेंगे। नाम दे रहे हैं मुझे तो कहीं से गठबंधन ही नजर नहीं आ रहा। रास बिहारी जी रास बिहारी जी मोदी की इस ग्रैंड रैली के बाद नहीं आ रहा बिल्कुल मोदी नैया डूब ठीक है, उसको क्या नजर आएगा। डॉक्टर साहब ठीक है, सच्चाई की बात है। राज बिहारी जी, मोदी जी की इस ग्रैंड रैली के बाद हमारे प्रदेश में सियासी हलचल, सियासी समीकरण अब किस तरफ बढ़ने की उम्मीद की जा रही है, क्लोजिंग कमेंट। मैं एक बात ये कहता हूं कि अगर भाजपा मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी घोषित नहीं करती तो भी ये इंडियन नेशनल लोकदल की मजबूरी कहो या समय की मांग कहो, उसको भाजपा के साथ आना ही था। क्योंकि इस तरह के संकेत बहुत पहले भी दिए जाते रहे हैं, क्योंकि भाजपा और इनेलो का गठबंधन पहले देवीलाल जी के टाइम में भी कई बार बना, फिर टूटा, फिर बना, फिर टूटा, लेकिन जब वो मिलते हैं जी तो कांग्रेस का सफाया हो जाता है, और अगर नहीं मिलते हैं तो कांग्रेस फिर सत्ता में आएगी। ये कांग्रेस के नेता भी जानते हैं, ये इनेलो नेता भी जानते हैं, बीजेपी के नेता भी जानते हैं। आप भी कोई खुशी से दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ा रहे हैं, आप भी दोस्ती का हाथ कोई खुशी से नहीं बढ़ा रहे हैं, आपकी भी मजबूरी है। मैं आपको बहुत क्लियर कर रहा हूँ, एक मिनट दीजिए, मैं आपको, अरे मेरी बात तो सुनिए, देखिए बोलने से पार्टी बड़ी नहीं हो जाती है, आप मेरी बात सुनिए, जेटली साहब किया भाजपा के साथ, मेरी बात सुनिए, मैं राजीव एक बात मैंने चाहे आगे चलती रहे जी। राज बिहारी जी जो गठबंधन आप मेरी बात सुनिए, राज बिहारी जी को सुन लेते हैं, से बनते हैं जी, कहिए राज बिहारी जी, कहिए राजनीति में जो गठबंधन बनते हैं जी वो समय की क्या मांग है उसके हिसाब से बनते हैं। राजनीति में कोई स्थायी शत्रु मित्र होते हैं, जैसे भाजपा कांग्रेस है स्थायी शत्रु हैं, वो कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन क्योंकि इसी तरह से स्थायी शत्रु उनका इंडियन नेशनल लोकदल भी है। आपने देखा कि बंसीलाल कांग्रेस से अलग हुए, फिर कांग्रेस में चले गए, इसी तरह से ये जो जनहित कांग्रेस है ये भी कभी देर सवेर हो सकता है इनकी आपसी मनमुटाव दूर हो जाए और ये भी कांग्रेस में आ जाए। यही बात बोली थी मैंने कि कुलदीप बिश्नोई जी कांग्रेस के प्रवक्ता लगते हैं, ऐसा लगता है जो कांग्रेस स्टेटमेंट नहीं देना चाहती है कुलदीप जी के थ्रू दिलवाती है। कुल मिलाकर सियासत में ये बताइए प्रदेश की जनता को, कुल मिलाकर बहुत धन्यवाद, प्रकाश चौटाला ने कैसा व्यवहार किया, बहुत धन्यवाद हमारे सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में आने के लिए और हिस्सा लेने के लिए, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में आने के लिए और हिस्सा लेने के लिए। कुल मिलाकर राजनीति में, कुल मिलाकर राजनीति में संभावनाओं का कभी दी एंड नहीं होता, और यही हम आगे शायद देखेंगे भी। बहुत शुक्रिया हमारे सभी खास मेहमानों का समय निकालने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों का इसे देखने के लिए। आप कहीं जाइएगा नहीं, इंडिया न्यूज पर खबरें जा रही है, थोड़ी देर में हम फिर हाजिर हो रहे हैं।